अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ किंजा पथूर फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। जैसा कि आपको पता है कि टाइटेनियम ग्रुप आपको डिफरेंट इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अपडेट करता रहता है। आज जिसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी वो बैरिया ऑर्चिड फेज टू है। इसको बेसिकली डिस्कस करने का मकसद उन क्लाइंट्स को टारगेट करना है जो मिनिमम बजट में रेजिडेंशियल और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दोनों को फाइंड कर रहे हैं। टोटल बैरिया ऑर्चिड फेज टू में 5 मरला और 8 मरला की कटिंग है, जिसमें 5 मरला मिनिमम आपको 24 लाख से मैक्सिमम 40 लाख तक इजीली मिल जाएगा, और अगर आप 8 मरला की बात करें तो वो मिनिमम 30 लाख से मैक्सिमम 50-55 लाख तक इजीली आपको ऑल ओवर बैरिया ऑर्चिड फेज टू में मिल जाएगा। जैसा कि आपको भी पता है कि मोस्टली क्लाइंट्स की जो है वो अट्रैक्शन छोटे प्लॉट्स में होती है, इसलिए यहाँ पर 5 मरला की सबसे ज़्यादा डिमांड है। अब बहरिया की मैनिटीज़ की बात की जाए तो बहरिया टाउन कभी भी अपनी मैनिटीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, एनर्जी बैकअप, इन शॉर्ट किसी किस्म के भी एनर्जी क्राइसिस का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं इस चीज़ पर आपको फोकस करवाऊँगी कि अगर 2-3 ईयर्स बैक देखा जाए तो बहरिया ऑर्चिड में जो प्राइजेस थी वो 10-12 लाख जो थी वो ज़्यादा थी। आफ्टर इम्पोजिशन ऑफ टैक्स और कोरोना की वजह से जो प्राइसेस जो हैं वो एक्चुअल प्राइस से भी जो है वो माइनस पे चल रही हैं। अब आफ्टर कोरोना डे बाय डे इनकी प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं और होपफुली इंशाल्लाह आने वाले कुछ सालों में इनकी एक्चुअल प्राइसेस को जो है वो टच कर जाएंगी। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन बैरिया ऑर्चिड फेज टू, और आज जो लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे वो आने वाले कुछ सालों में जो है वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो मैं बैरिया ऑर्चिड फेज टू को स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगी बोथ इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एनी रियल इस्टेट और बहरिया, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, बिकॉज वी आर डीलिंग विद 180+ प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर द पाकिस्तान। थैंक यू सो मच।